सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू गेम प्ले। तो गाइस इस गेम प्ले में तबाही दबा के होने वाली, मतलब बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला। तो गाइस गेम प्ले को लास्ट तक एंजॉय जरूर करना, क्योंकि इस आज की इस वीडियो में गाइस आपको दो गेम प्ले देखने को, मतलब दो गेम प्ले, एक गेम प्ले ये है और एक और गेम प्ले आएगा, तो मतलब देखना एंजॉय करना। तो गाइस इस गेम प्ले में हम लोग उतरते हैं पायलट प्लाजा। गाइस जल्दी से पायलट प्लाजा पर कर लेते हैं लूट, क्योंकि उस तरफ उतर चुकी है पूरी एक स्क्वाड। तो गाइस स्क्वाड से मरना नहीं है बट स्क्वाड को मारना। तो गाइस जल्दी से यहाँ पर गाइस तुम्हारे भाई को मिलती है उतरते साथ दो शॉटगन, एक शॉटगन और एक एस12 की। तो गाइस पता नहीं यहाँ पर हमारा दो नंबर क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। तो जल्दी से हम यहाँ पर गाइस हेलमेट वेस्ट नाम की चीज़ें होती हैं उन्हें उठाते हैं और गाइस जल्दी से एक हाथ ऑटो गन ढूंढते हैं। तो गाइस जल्दी से सबसे पहले लूट करते हैं। सो गाइस फाइनली यहाँ पर गाइस हमें लेवल 2 का वेस्ट मिल जाता है। गाइस वेस्ट नहीं, हमें यहाँ पर एक चाहिए ऑटो गन जिसका नाम है गाइस AKM। तो गाइस फाइनली यहाँ पर हमें हमारी AKM मिल जाती है। और गाइस हेलमेट यहाँ पर गाइस मुझे नहीं मिलता, लेकिन गाइस फाइनली गाइस मेरा एक नंबर गाइस वहाँ पर रश कर चुका था। तो गाइस इसलिए गाइस बंदे बजाना जरूरी थी। और गाइस आप मिनी मैप में गाइस आप देख सकते हैं उसके ऊपर गाइस फायरिंग भी चल रही थी। और जल्दी से हम गाइस उन बंदों पर रश कर देते हैं और भाई देखो कैसे उन बंदों को गाइस तुम्हारा भाई बजाता है या गाइस वो खुद बच जाता है। तो मतलब इस गेम प्ले को एंजॉय जरूर करना, क्योंकि इस गेम प्ले में कतई तबाही दबा करना। तो देखो भाई बंदों का क्या हाल होता है। Enemy down. Exaggerated, that's what you तो गाइस जैसे ही मैं गाइस इन तीन बंदों को गाइस नॉक कर देता हूँ, मुझे पता चलता है गाइस ये बंदा गाइस बॉट को मार रहा था, जिसके कारण गाइस इसकी सुताई हो गई। और गाइस फाइनली हमारे भाई तुम्हारे भाई के खाते में 3 किल आ गए। तो गाइस अब मैं इसके भाई चौथे बंदे को ढूंढता हूँ। तो गाइस फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पर गाइस पूरे पायलट प्लाजा में इसके चौथे बंदे को ढूंढते हैं, लेकिन अब इसका चौथा बंदा मिलता ही नहीं, ना जाने गाइस कहाँ पर ये रफू चक्कर हो जाता है। तो गाइस हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि गाइस एक बंदे के ऊपर पूरा गेम प्ले निकाल दें। तो गाइस गेम प्ले पर फोकस करते हैं और जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और दोनों की ओर निकलते हैं, क्योंकि गाइस आगे बंदे भी बजाने और गेम प्ले को अच्छा बनाना है। लेकिन गाइस एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। गाइस हम तीनों और बग्गी पर बैठ सकते हैं बस दो, तो गाइस दो बंदे, तीन बंदे एक बग्गी पर कैसे बैठ कर जाएंगे। तो गाइस इसका भी ये लोग सॉल्यूशन निकाल लेते, लेकिन गाइस इतने में हमें दिखता है बॉट। तो गाइस बॉट को छोड़ा नहीं जाता, वो गाइस मंदिर के घंटे की तरह होता है जिसे गाइस बजाना जरूरी है। बिना उसे बजाए गेम में मजा आता है, क्योंकि वो जल्दी से तुम्हारा भाई उन दोनों को बजा देता है। तो गाइस ये दो मंदिर के घंटे बजाने यानी गाइस बॉट भैया को मारने के बाद गाइस सीधा हम चलते हैं गाइस जोन की ओर। लेकिन जैसे ही गाइस हम लोग जोन की ओर जाते हैं, यहाँ पर गाइस हमारा दो नंबर गाइस करता है थोड़ी मस्ती मजाक, जो भाई हमारे एक नंबर को पसंद नहीं आती। और गाइस मस्ती मजाक तो चलता रहेगा। यहाँ पर गाइस बगल से गाइस बंदों की एक गाड़ी निकलती है, लेकिन गाइस मैं उन बंदों पर गाइस थोड़ा बहुत फायर करता हूँ, लेकिन गाइस वो बंदे बचकर निकल जाते हैं। तो गाइस अब तुम्हारा भाई सीधा उन पर रश कर देता है। तो गाइस रश करते टाइम गाइस मुझे एक रास्ते में एक बॉट दिखता है, तो गाइस बॉट को मैं मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गाइस क्या वो मरता है कि नहीं मरता अब आप ही देखो। भाई साहब ये बॉट था कि बाहुबली, मतलब भाई मैंने 90 M4 की एमओ इस पर फायर कर दी, लेकिन भाई ये बंदा मरता नहीं। तो गाइस बॉट को मारो गोली। यहाँ पर गाइस तुम्हारा भाई गाड़ी उठाता है और सीधा रश कर देता है उस कार वाले बंदों पर, लेकिन भाई इतने में गाइस हमारे गाइस जटाराम पर हो जाती है फायरिंग। तो गाइस जल्दी से मैं भागता हूँ जटाराम की ओर, क्योंकि उसे मेरी मदद की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन गाइस जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ, यहाँ कोई अलग ही सीन चल रहा है। देखो भाई कौन से सीन चल रहा है। तो गाइस यहाँ पर हमारे ऊपर हो जाती है थर्ड पार्टी। तो गाइस यहाँ पर गाइस मैं एक स्मोक करता हूँ अपने IQ को यूज करता। तो गाइस ये देखो भाई तुम्हारे भाई का स्मोक कितना काम में आने वाला, मतलब भाई देखो मैंने स्मोक कुक ही किया, इतने में गाइस हमारे जटाराम भाई नॉक हो गए। बस जल्दी से एक और स्मोक करते हैं और अपने जटाराम भाई को रिवाइव देते हैं। भाई जैसे गाइस तुम्हारे भाई रिवाइव देकर निपटता ही है, आगे देखो भाई क्या होता है। तो गाइस भाई हेलो मारते रिवाइव ले लो पहले। तो गाइस जैसे ही स्मोक होता है अब भाई तुम्हारा भाई रिवाइव दे देता है और जल्दी से एक मेडकिट ड्रॉप कर देता है, ताकि गाइस तुम्हारा भाई जल्दी से हीलिंग मार ले जटाराम और
वापस से तुम्हारे भाई को सपोर्ट करने लगे। सो गाइस जटाराम को रिवाइव देने के बाद गाइस मैं यहाँ पर देखता हूँ कि गाइस कहीं बंदे तो नहीं आ गए। मैं हर एंगल से टीपीपी लेता हूँ, उसके बाद गाइस मैं इस बंदे की डेड क्रेट लूटता हूँ। तो गाइस क्रेट के अंदर गाइस मुझे देखने को मिलती है मतलब ड्रॉप वेपन, तो गाइस जल्दी से मैं ऑक को उठा लेता हूँ। और गाइस अभी देखो भाई आगे क्या होता है, क्या सीन होता है ना जाने भाई ये बंदा कहाँ से आ जाता है। और भाई इतने में मेरी और लोड भी नहीं होती और भाई फाइनल मैं इसको मार देता हूँ फिर भी। तो गाइस अब चलो भाई इनका तो काम हो गया, लेकिन गाइस अभी वो कार वाले बंदे बाकी हैं जो गाइस ब्रिज पर कैंप कर रहा है। तो गाइस अब उनके साथ देखो गाइस क्या दुर्घटना घटती है। तो गाइस आगे इन्जॉय करो। तो जटाराम क्या कर रहे तो गाइस इतना डैमेज देने के बाद गाइस तुम्हारा भाई सीधा उन पर रश कर देता है, क्योंकि गाइस मुझे पता है गाइस उनका एक बंदा नॉक पड़ा है और गाइस उनके स्क्वाड के गाइस सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। तो गाइस तुम्हारा भाई यहाँ पर सीधा गाड़ी उठाता है, गाइस हम दोनों गाइस अलग अलग गाड़ी से उनका सीधा पुश करते थे। तो गाइस देखो आगे गेम प्ले में क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर हमारा पुश उन पर सक्सेसफुल होगा कि अनसक्सेसफुल होगा, और यहाँ पर गाइस जोन भी आ चुका है। तो गाइस आगे गेम प्ले को इन्जॉय करो गाइस, जो आगे पोजीशन होने काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाला है फाइट। तो गाइस आगे की इंटेंस फाइट तुम इन्जॉय करो। सो गाइस ये बंदा गाइस अपने टीममेट को गाइस रिवाइव दे रहा था, इतने में गाइस मैं आ जाता हूँ, गाइस इसके आगे से धप्पा कर देता हूँ और इन दोनों की पेटी बना देता हूँ। और गाइस जल्दी से अब गाइस मैं जोन की ओर निकलता हूँ, क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं मेरी हेल्थ यहाँ पर कितनी जल्दी डिक्रीज हो रही है। और गाइस ये लास्ट का जोन चल रहा है, तो गाइस आपको पता ही होगा कि जोन में कितना ज़्यादा डैमेज होता है। तो गाइस जल्दी से गाइस अब जोन की ओर बढ़ते हैं। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं चार बंदे अलाइव हैं। तो गाइस जैसे ही गाइस मैं जोन में जा रहा था मेरे बगल से एक एनिमी निकलता, तो गाइस देखो उसके साथ क्या होता है। तो गाइस इस बंदे को मारने के बाद गाइस मुझे एक और बंदा स्पॉट हुआ, तो गाइस उसे मैं कैसे मारता हूँ। सो गाइस इस बंदे को मारने के बाद गाइस अब बचे बस दो बंदे, यानी गाइस मैं और एक और एनिमी। तो गाइस देखो भाई उसको तुम्हारा भाई मार पाता है कि नहीं मार पाता है। बस जल्दी गाइस अब उस बंदे को गाइस मैंने उसकी पोजीशन देख ली है और गाइस मैं उसको डैमेज भी देता हूँ, लेकिन गाइस ना जाने मेरा कौन सा लक चल रहा है। तो गाइस आगे देखो आगे की सिचुएशन देखो आगे क्या होता है। सो गाइस ना जाने गाइस मेरे साथ कौन सा सीन चल रहा था कि गाइस तुम्हारे भाई की हाइपिंग आ जाती है और लास्ट वाला बंदा गाइस तुम्हारे भाई को बाइसन से पीट कर चला जाता है। तो गाइस अभी गेम प्ले खत्म नहीं हुआ, तो गाइस अब आगे देखो भाई आगे वाले गेम प्ले को एंजॉय करो जिसमें तुम्हारा भाई तुम्हें चिकन डिनर गिफ्ट करता है। सो गाइस इस गेम प्ले में गाइस क्या आपको चिकन डिनर देखने को मिलेगा। प्ले में तो आपको चिकन डिनर देखने को नहीं मिला, लेकिन भाई ये वो गेम प्ले है जो मैं गाइस शायद आपको दिखाना कभी नहीं चाहता था, लेकिन गाइस परिस्थिति ने मुझे मजबूर कर दिया कि गाइस ये गेम प्ले मैं आप सभी लोगों को ज़रूर दिखाऊं। तो गाइस गेम प्ले को एंजॉय करना, क्योंकि गाइस ये गेम प्ले करते ही तबाही है। और भाई तुम ये देख लो भाई जो प्लेन पर नाम जिस बंदे का आ रहा है उसको भाई तुम्हारा भाई मारेगा, तो भाई कैसे मारेगा ये देखना। तो गाइस इस गेम प्ले में तुम्हारा भाई करता है हॉट ड्रॉप स्टेडियम पर। अब भाई आगे देखना स्टेडियम पर बंदे आते हैं कि नहीं आते। पहले पहुंचता हूँ, ये देख कितनी तेज उतार रहा हूँ।
सो गाइस हमारा जो साहिल दोस्त है भाई, उसने इतनी ज़्यादा स्पीड में हमें स्टेडियम पे उतारा कि गाइस मैंने हर एंगल में आग घुमा के देख ली, बंदे आए ही नहीं। मतलब भाई हमारे साहिल की स्पीड देखकर बंदे आते ही नहीं स्टेडियम में। भाई साहिल भाई क्या उतारते हो भाई, अगर तुम ऐसे ही उतारने लगे तो भाई हमारे गेम प्ले तो हर बार बन जाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर स्टेडियम में इस बार बंदे नहीं आए। भाई बंदे नहीं मिले लेकिन हमें M4 मिल गई, मतलब क्या लक चल रहा है, क्या लक चल रहा है। तो गाइस गेम प्ले पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लक के बारे में तो बातचीत होती रहती है। गाइस जल्दी से स्टेडियम को लूटते हैं और गाइस आगे कुछ गेम प्ले में दिखाने लायक है नहीं, तो डायरेक्ट बढ़ते हैं इंटेंस सिचुएशन की ओर जहाँ पर इंटेंस फाइट होती है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग स्टेडियम से लूट लाट करते हैं और जल्दी से पहुँचते हैं अपनी इंटेंस फाइट की ओर। तो गाइस बग्गी पर बैठकर दो बंदे हमारे बीस्ट भाई को कुचलकर निकल जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन भाई मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया फिर भी वो भाग जाते हैं। लेकिन भाई कोई बात नहीं, उनकी सज़ा किसी और को मिल जाती है, क्योंकि सामने वाले ब्लू हाउस में मुझे बंदे स्पॉट हो जाते हैं। लेकिन भाई तुम्हारे भाई के साथ अलग ही सीन चल रहा है इस गेम प्ले में, तुम इन्जॉय करो गेम प्ले को, जल्दी से बढ़ते हैं आगे गेम प्ले को इन्जॉय करो। अब देखो बीस्ट को तो भाई हमारे दोस्त साहिल भाई ने रिवाइव दे दिया है, तो भाई आगे एक और बंदा स्पॉट होता है मुझे येल्लो हाउस में, तो बस उसको देखो कैसे मारते हैं। तो गाइस ये मुझसे तो बचकर निकल जाता है, लेकिन गाइस ये भाई हमारे साहिल भाई के हाथों भेंट चढ़ जाता है। और देखो भाई इसकी बलि कैसे चढ़ती है, आप खुद देखो अपनी आंखों से। तो गाइस इस बंदे को मारने के बाद अब गाइस हम लोग फोकस करते हैं ब्लू हाउस वाले बंदों पर, जिन पर गाइस यहाँ पर आप मार दे सकते हैं एनिमीज आए। लेकिन गाइस अब देखो भाई हमारे बीस्ट भाई को देखो भाई ड्रॉप लूटने की पड़ी है, तो गाइस बीस्ट भाई कर देता है ड्रॉप लूटने चला जाता है और हमारा साहिल भाई डायरेक्ट कर देता है रश, और यहाँ पर गाइस मैं उसे देता हूँ कवर। तो गाइस आगे गेम प्ले में एंजॉय करो कि हम लोग अब उन पर इजीली रश कर पाएंगे कि कर पाएंगे, मुझे एक आध किल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक मेरे 0 किल है। अब देखो भाई आगे गेम प्ले को तुम एंजॉय करो, करते जो गाइस हमारे सामने वाली ब्लू हाउस वाली पूरी स्क्वाड गाइस यहाँ पर हम लोगों ने फिनिश कर ही दी थी, बस गाइस उनका एक बंदा बचता है। इतने में गाइस मुझसे भी एक गलती हो जाती है स्टार्टिंग में कि गाइस मैं नेट की जगह धोखे से गाइस स्मोक फेंक देता हूँ, जिसका फ़ायदा उठा लेता है गाइस बंदा। और गाइस एक और गलती हमारे बीस्ट भाई करते थे, वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं गाइस, वो अपने ही लॉन्चर से अपने टीममेट को नॉक कर देते हैं। तो गाइस इसका फ़ायदा देखो गाइस ये बंदा कैसे उठाता है, कैसे ये बंदा भागता है। तो गाइस जैसे ही मैं उस बंदे पर रश करता हूँ, उतने में गाइस हमारा बीस्ट भाई उसे लॉन्चर से फिनिश कर देता है, और भाई इतने में हमारे ऊपर हो जाती थर्ड पार्टी होते, वो यहाँ पर तुम्हारा लगभग नॉक होते होते बचता हूँ। तो गाइस जल्दी से मैं यहाँ पर फर्स्ट एड लगाता हूँ और फिर उसके बाद इस बंदे को उसका फल देता हूँ कि भाई तूने मुझ पर वार करा तो करा कैसे, तो उस बंदे को कैसे बचाते हैं। तो गाइस फाइनली ये वही बंदा था जिसका नाम गाइस प्लेन में सबसे ऊपर आ रहा था। गाइस इसको नॉक करने के बाद गाइस मुझे पता चल जाता है गाइस कि गाइस सामने अब दो बंदे अलाइव हैं, और गाइस एक बंदा नॉक है और गाइस दो बंदे बचे हुए हैं, और गाइस जे लोग पूरी एक ही स्क्वाड होती है। तो गाइस देखो, और गाइस मुझे पता था गाइस ये इस बड़े स्टोन के पीछे, तो गाइस अब देखो तुम्हारे भाई उन पर सीधा रश कर देता है, देखो आगे क्या होता है। तो गाइस फाइनली ये बंदा भी गाइस पूरी तरीके से गाइस नॉक हो जाता है, गाइस सामने से मैं फायर करता हूँ और गाइस पीछे से गाइस साहिल आके इसको पूरा नॉक कर देता है, और लास्ट में गाइस साहिल उसे पूरा फिनिश भी कर देता है। तो गाइस इसके बाद गाइस अब बचता है गाइस एक बंदा, तो गाइस देखो गाइस इसको हम लोग कैसे मारते हैं, क्योंकि गाइस एक बंदा जो भाई नितेश भाई है भाई वो तो एक नॉक पड़ा हुआ है, गाइस एक बंदा अलाइव है, तो गाइस देखो उसको तुम्हारा भाई कैसे मारता है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर तुम्हारे भाई का हो जाता है चिकन डिनर। आशा करता हूँ आज की गेम प्ले आपको पसंद आया होगा।